मीना और उसके पति के बीच आए दिन एक ही बात के लिए झगड़ा होता था कि देखो जी, अपने पिता को तुम ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, मैं उनका बोझ नहीं उठा सकती हूँ। और हरिया किसी तरह उनको मनाते रहते। फिर एक दिन, देखो पिताजी, अब तुम वृद्धाश्रम चले जाओ, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती हूँ। अब मुझे सुकून चाहिए, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मुझे अपने परिवार का प्यार चाहिए। लेकिन मीना ने तो बस ठान ली थी कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजना, और मीना की जिद के कारण हरिया को अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना ही पड़ा। पिताजी, अब आपका नया घर यही है? ठीक है बेटा, तुम हंसी खुशी रहना। और हरिया वहाँ से उनको छोड़ के अपने घर चला गया। हरिया के पिता और वृद्धाश्रम के मालिक दोनों एक दूसरे से बहुत हंसी खुशी बात कर रहे थे। हरिया ने पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? अरे, इन्हें कौन नहीं जानता। वर्षों पहले इसी आश्रम से 5 महीने के लड़के को उठा के लेके गए थे। उसको अपना नाम दिया, धन दौलत दिया, प्यार दिया। ऐसा सुनते ही हरिया के पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, हरिया ही था। पिताजी, मुझे माफ करें और घर चलें।